जय साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी हम आ गए हैं पिपरामिंट की टंकी पे, जहाँ पर पिपरामिंट का जो पौधा होता है उसकी पेराई की जाती है और तेल निकाला जाता है। क्योंकि दोस्तों, यह जो पिपरामिंट का तेल होता है, वैज्ञानिक नाम इसका मेंथायल है। तमाम प्रकार की औषधियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो ठंडा तेल व्यक्ति अपने सर पर रखता है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। जो मेडिसिन बनाया जाता है उसमें भी इस तेल का बहुत मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो चूंकि दोस्तों, हम जहाँ पर पेराई हो रहा है यहीं पर आए हैं और मतलब जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो किसान साथी लोग पिपरामिंट का जो खेती किए हैं, तो पिपरामिंट की खेती के बारे में उनसे जानने का हम प्रयास करेंगे। थोड़ा इधर दिखा दीजिए, यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ लौरा लगाया जा रहा है, टंकी को गर्म किया जा रहा है। जब टंकी गर्म होगा तभी जाकर तेल जो वाष्पीकरण होकर वहाँ पर बगल में ठंडा होकर तेल को निकलेगा। क्योंकि दोस्तों, महिलाएं हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, क्योंकि बहुत मेहनत का काम होता है। टेम्परेचर बहुत हाई है, लगभग 40 से 50 डिग्री का टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर में महिलाएं काम कर रही हैं, जो अपने आप में दोस्तों काबिले तारीफ है। क्योंकि गर्मी का मौसम है, बहुत मेहनत लगता है पिपरामिंट की पेराई में। इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लौना भी घिरवाया गया है, और इधर देखिए ताली पर अभी पिपरामिंट आया है। जब यह खाली होगा तो उसके बाद यह इसमें डाला जाएगा, और इधर कुछ किसान साथी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। तो साथियों, अभी किसान साथी लोग बैठे हैं, पिपरामिंट अपना लेकर आए हैं पेरवाने के लिए। तो चाचा, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। रामप्रीत गुप्ता। रामप्रीत गुप्ता। रामप्रीत गुप्ता कहाँ के रहने वाले हैं? अरे कहीं अगर लग गई बढ़िया से, खाद माटी पड़ गई तो 10 लीटर 12 लीटर गिर जाये, और नहीं तो कम में गिर सकला। का भाव बिकात पिपरामिंट मार्केट में? पहले बिकात रहा 2000-3000 के, अब बिकाता है 890 रुपया। 890 रुपया? तो ये बताइए, 890 रुपया में आप लोग का मतलब लाभ हो जाता है? ना लाभ हो, ये नहीं पर हम परेशान बनी से। सरकार तो हम पर कहत कि दूना लाभ दे, तो कौनो लाभ नहीं दे दिया। मोदी जी कहले रह रहे हैं कि 2022 तक जवन भी किसान बना वो सबके आय दुगुना हो जाए, किसान संपन्न हो जाए। ऐसा है, संभव है? नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं। आप लोग के आय दुगुना नहीं भाई? खाद हमारे सस्ता हो गए, खाद महंगा बा, हमारा रकम जौन बा कि सस्ता बा, गेहूँ चाहे धान चाहे पिपरामिंट सब सस्ता बा। ये बताइए, सरकार तेल के खरीदने के कौन सरकारी अपन कोई काटा वाटा लगौले बा? वही नहीं, कौन सरकारी कटोरा लगल बा पिपरामिंट खरीदे के? नहीं, तब तो प्राइवेट में बेचे पड़त हो। जनता ले जाला खरीद के, और व्यापारी ले जाना सर। हाँ, कहीं हम पर गंवार बाई डालियो मार देना सर। योगी जी कहते रहे कि हमारे जब बीजेपी की सरकार बनी थी प्रदेश में, तब किसानों का जौन भी फसल भाव पर सरकारी मूल्य पर खरीदारी हुई, सरकार खुद खरीदी। तो अभी तब तक खरीदारी नहीं होता का? अभी नहीं होता, अगर सरकार खरीदत तब तो हम पर सुखी हो जाए, लेकिन सरकार नहीं क्या खरीदत, खाली दलाल खरीदत। दलाल खरीदत, और एक लोगों को रेट नहीं मिल पाता। बताओ, जैसे पिपरामिंट पेरा था, देखो तुम बड़ी मेहनत बताई, खेती करके संतुष्ट नहीं बढ़ा जा नहीं। सरकार से का कहो? का कहो, का कहो, वहां लाइन हम पहुंच पाते हैं। बताओ, डीजल तो बड़ी महंगा गल बा, पानी बड़ी चला के पड़त हो? अरे डीजल पानी कुछ सब महंगा बाटे। को पानी चल रहा है पिपरामिंट में? वह 8-10 पानी। 8-10 ये तो कितना तो भरती है ना, ये पानी है ना, मुझे भरती है ही इतना महंगाई बा। अब ओकरे ओकरे बाजू देखल जात है, कोड़ाई है, खाद है, बीया है, हां तमाम तरह के दिक्कत बा। दवाई है नहीं बा बाबू, हम पास की गरीबता दूर कर तेल के दाम बढ़ावे तब हम सुखी रह पावे। पानी चलावे में बड़ी डीजल लगाता है, डीजल के रेट बढ़ जाता है। 8 बेर चलावल जाता, 7 घंटा 8 घंटा चलता, 250 रुपया घंटा दे जाता। तो क्या लगा था कि सरकार में किसान खुशहाल हो पाई है? नहीं लागत तो बाकी खुश हो है, लेकिन नहीं खुश हो सकता। 2000 तक महीने आवल है ना खतरा में? हाँ 2000 आवल है। हाँ हाँ आवल है, यानी साल में 6000 रुपया देता ना। हाँ, 6000 से कल्याण हो जाए। अरे जौन बीता था तो बीतते बाप दुख सुख अपन ये भोगे पर रहता। कुल मिला जुला के खेती करे वाला किसान लोग खुश रहे? नहीं नहीं। ये बताओ, अगर तोरे लड़का से कहा खेती करे तो खेती करी है? नहीं करी है,
हां जाके दिल्ली बनारस या पर कमा के बनहरी लेकर जिया होता है एक नंबर पैसा कमा दूं तो ने कमा दूं हां 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 सांस रहो तो ये ठारती रहूं हां तो पर धूरी माटी रोए के कई कई कंपनियां बा हां तो साथियों ये किसानों का दर्द जो तमाम सरकारें वादा करती हैं दावा करती हैं कि किसान समृद्ध है किसान कहीं कहीं आत्मनिर्भर बन रहा है किसानों की आजीविका हो रही है लेकिन जब हम किसानों से बातचीत करते हैं किसानों को सीधी जानने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना किसान खेती से कुछ नहीं है खेती किसानी घाटे का सौदा होता जा रहा है किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाह रहा क्योंकि तमाम दिक्कतें हैं महंगाई की समस्या से कहीं ना किसान परेशान है। तो दोस्तों आज का यह रिपोर्टिंग आप लोगों को सलाह कमेंट जरूर बताइएगा और साथियों मिलेंगे किसान नई वीडियो में तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय साथियों धन्यवाद।